हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपके साथ पीयूष, और आज मैं आपसे एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, गेस्ट प्लेयर। गेस्ट प्लेयर बहुत कम लोगों को पता है कि होता क्या है, तो उसी बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आज। देखिए, गेस्ट प्लेयर होता वो है जो एक प्लेयर जो है वो एक स्टेट से बिलोंग करता है और वो दूसरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है गेस्ट प्लेयर। जब वो दूसरी स्टेट में जाके उस टीम को रिप्रेजेंट करता है तो उसको बोलते हैं हम गेस्ट प्लेयर। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हम भी दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम भी गेस्ट प्लेयर कहलाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी होगा कि हम भी दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर हम दूसरे स्टेट की टीम से खेलेंगे तो हम भी गेस्ट प्लेयर कहलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। गेस्ट प्लेयर होने की कुछ एलिजिबिलिटी है, अगर वो एलिजिबिलिटी आप कंप्लीट करते हो तभी आप दूसरे स्टेट की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ गेस्ट प्लेयर। तो अब मैं आपको एलिजिबिलिटी बताने वाला हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए दूसरे स्टेट से खेलने के लिए एज अ गेस्ट प्लेयर। देखिए, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23, ये कुछ अंडर एजेस ग्रुप्स हैं जिसमें थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है एज अ गेस्ट प्लेयर खेलने के लिए, और रणजी ट्रॉफी का थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जैसे मिज़ोरम, सिक्किम, ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई। ये जो बोट ट्रॉफीज़ होती हैं इसमें बहुत अच्छी टीम होती हैं इधर के जो स्टेट्स हैं, पंजाब वगैरह, लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट के हैं ये थोड़े से उतने नहीं हैं कैपेबल कि ये उस कंपटीशन पे वो कम्पीट कर पाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो यही स्टेट्स हैं जिन्हें मोस्टली जो है गेस्ट प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं गेस्ट प्लेयर की अगर बात करूं तो इनका क्या होता है, ये ट्रायल्स ऑर्गेनाइज करती हैं एसोसिएशंस स्पेशली गेस्ट प्लेयर्स के लिए। अब इनका क्राइटेरिया क्या है, देखिए क्राइटेरिया तो यही है, सबसे पहले तो आप जो एज ग्रुप में हैं आप ट्रायल देंगे अपने एज ग्रुप में, लेकिन इनकी कुछ एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी क्या है मैं आपके साथ एक परफॉर्मर शेयर करने वाला हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये वो परफॉर्मर है जो सिक्किम एसोसिएशन ने निकाला था। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप अंडर 19 मेंस में देखिए, गेस्ट प्लेयर होने के लिए खेलने के लिए दूसरे स्टेट से अंडर 19 के जो लड़के हैं उन्हें कम से कम 5 BCCI मैचेस खेले होने चाहिए अपने स्टेट से जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो मतलब कि आपको अंडर 19 आपने पहले रिप्रेजेंट किया हुआ हो। अंडर 23 में भी सेम है, सेम प्रोसेस है। फिर वुमेंस के लिए अगर मैं बात करूँ, वुमेंस के लिए भी सेम प्रोसेस है। और फिर अगर रणजी ट्रॉफी तक मैं जाऊँ तो रणजी ट्रॉफी में भी देखिए आप, आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 10 मैचेस एटलीस्ट आपने खेले हुए हों, मतलब कि रणजी ट्रॉफी में जो है कि आपने सबसे पहले अपने स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले होने चाहिए। देखिए, ये तो हुआ परफॉर्मर की बात, ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई कि एलिजिबिलिटी जो चाहिए एज ए गेस्ट प्लेयर। अब अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूं, सबसे पहले एग्जांपल मैं ले लेता हूं पीयूष चावला का, जो पीयूष चावला हैं उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के लिए ही खेलते आए हैं, फिर इंडिया के लिए भी रिप्रेजेंट किया, और अब क्या है, अब वो एज ए गेस्ट प्लेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुजरात टीम को। उन्मुख चंद की मैं बात करूँ, बहुत लोग जानते होंगे उन्मुख चंद को। अब वो क्या है कि उत्तराखंड में जो एसोसिएशन आई है अभी पिछले साल से, वो वहाँ के लिए खेल रहे हैं, तो ये गेस्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं उन्मुख चंद। मैं आपको फिर से एक बार कंफर्म कर देता हूँ कि अगर आप इनमें से कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ आपने बोर्ड अपने स्टेट से, तो आप दूसरे स्टेट के लिए एज ए गेस्ट प्लेयर खेलने के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं हो। अच्छा, ये तो हुई क्या नाम है एलिजिबिलिटी की बात, ये तो हुई एलिजिबिलिटी की बात। अब जो आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक चाहिए दूसरे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो है NOC सर्टिफिकेट। NOC सर्टिफिकेट क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो आपको वहाँ से मिलता है जहाँ, जिस स्टेट से आप हो, और वो आपको तभी मिलेगा जब आपने अपने स्टेट के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ हो, या आप पहले कभी प्रोबेबल्स में हो, तभी आपको दूसरे स्टेट से एज ए गेस्ट प्लेयर खेलने को मिलेगा। और ये NOC सर्टिफिकेट आपको वो एसोसिएशन जो आपकी है वो तभी अलॉट करेगी जब आप एज अ गेस्ट प्लेयर जिस स्टेट से खेल रहे हैं वहाँ पर प्रोबेबल्स में हों। तो ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है आपको एज अ गेस्ट प्लेयर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बस यही सब था कि गेस्ट प्लेयर क्या होता है, ये क्वेश्चन था हमारे एक सब्सक्राइबर का। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या टॉपिक के रिगार्डिंग अभी भी कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।